नमस्ते दोस्तों, मैं सबसे पहले SSR के सभी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स और जितने भी लोग हम हैं जो डे वन से एक दूसरे का वर्चुअली हाथ पकड़ के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देती हूँ और बोलती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही हमें लड़ते रहनी है लड़ाई, हिम्मत नहीं हारनी है जैसे आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को सलाम है, आप लोग जिस तरीके से मतलब पूरे इतने तत्पर हैं इस चीज़ को लड़ने के लिए, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, मेल में आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, इंस्टा में आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं सारे नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और अगर मैं जवाब नहीं दे पाती या कई बार उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि किस तरीके से आप लोग तथ्य फैक्ट्स एक के बाद एक सामने ला रहे हैं, कितनी बारीकी से आप इस केस को का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें घुसे हुए हैं। किसी मतलब कोई बड़ा लॉयर भी क्या कर पाएगा, या पुलिस वाले तो कुछ खैर कर ही नहीं रहे हैं, उनके सामने आप लोगों ने एक एक चीज़ खोल के रख दिया और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी ये बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं जो सोचते थे कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, ये हिंदुस्तान के कानून से भी ऊपर हैं, हिंदुस्तान से भी ऊपर हैं और इनकी मनमानी जो बॉलीवुड में और मुंबई में चल रही है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आप लोगों ने दिखा दिया, इस लड़ाई ने दिखा दिया कि कोई भी इंसान जो है इंसानियत से, देश से, कानून से ऊपर और बड़ा नहीं है। अगर जनता चाहेगी तो तुमको धरती पर लेकर के आएगी। और इसीलिए चाहे सारे के सारे लोग, यशराज फिल्म वाले मिस्टर बंसाली और आज जो है धर्मा प्रोडक्शन के जो CEO हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं कहती हूँ CEO को क्यों बुलाया आपने, मिस्टर करण जौहर को क्यों नहीं बुलाया मुंबई पुलिस, उनको बुलाइए और उनसे बात कीजिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो विजय है, जो मैसिव जो विजय है, वो ये है कि वो लड़की जो सारे राज जानती है, जो जिस पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ज़रा भी असर नहीं है, जो इन सब चीज़ों के पीछे है, और ये बात हम डे वन से कह रहे हैं, जिसने महेश भट्ट के साथ मिल करके ये कंस्पिरेसी थ्योरी डे वन से बिल्ड करनी, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया था कि SSR को डिप्रेशन है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें वो बना रही थी। और आज से नहीं, वो पहले से मिल करके इस कहानी को बना रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ब्लूप्रिंट बहुत पहले तैयार किया गया था, रिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो है SSR के पिताजी ने एक कंप्लेन करी और उनके कंप्लेन के आधार में बिहार के अंदर बिहार की पुलिस ने रिया पर FIR दर्ज करी है, धारा 306, 340 और 342 के तहत। अब उन पर उनको आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, झूठी गवाही के लिए, गलत प्रतिबंधन आदि के लिए ये सारी धाराएं होती हैं, इनके तहत FIR की गई है। ये बहुत बड़ी विजयश्री है और साफ बात है कि परिवार भी अब सामने हैं, वो भी आ गए हैं, उन्होंने एक डायरेक्ट जो है डिसीशन, निर्णय जो लेना था वो ले लिया है। और यही निवेदन मैं आपसे कर रही थी कि परिवार को समय दीजिए, वो बहुत दुख में हैं, उन्होंने अपना बेटा, अपना 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 लाल खोया है, तो वो डेफिनेटली इस दुख के बारे में बोलेंगे, लेकिन समय लगेगा। मैंने महेश भट्ट के बारे में कल एक ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने उसको बहुत रिट्वीट किया, उसको पढ़ा, उसमें मैंने यही बोला था कि महेश भट्ट आज जब मुंबई पुलिस ने उनको पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि मैं तो सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ 2 बार मिला था और मैंने कोई पिक्चर या कुछ ऐसा उनको ऑफर नहीं किया था, वो फॉर्मल सी ऐसी विजिट थी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मिस्टर महेश भट्ट, आप सिर्फ उनसे 2 बार मिले, ज़्यादा समय नहीं मिले, तो आपको कैसे पता चला कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो मेंटली अनस्टेबल थे और वो परवीन बावी की तर्ज पर अपना जीवन खत्म करने वाले हैं, वो परेशान थे, आपको ये सारी जानकारी कैसे मिली? आप मेरे हिसाब से, जहाँ तक हम जानते हैं, आप कोई मनोचिकित्सक तो है नहीं, आप कोई डॉक्टर तो है नहीं, आपने उनकी माइंड मैपिंग टेस्ट तो आया नहीं था, उसकी रिपोर्ट तो आपके पास थी नहीं, तो आपने ये सारी बातें मीडिया में आकर के कैसे बोली, जनता के सामने कैसे बोली, आप कैसे रिया और सुशांत के बीच में थे, रिया के साथ आपका क्या रिश्ता है, रिया क्या कहानी बना रही है, क्या आपने इन चीजों का खुलासा किया है? खैर, अब तो रिया चक्रवर्ती पर FIR हो गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वो लड़की जो शुरू से सच्चाई छुपाती रही, जब वो लड़का
परेशानियों से जूझ रहा था जब वो 50-50 सिम बदल रहा था, ये अपनी बढ़िया से बढ़िया वीडियोस उसी के घर में बैठ करके बनाती थी और उनको पोस्ट करती रहती थी। न जाने कैसे इसकी आत्मा भी गवाही दे गई और उसके बाद भी ये इतनी नॉर्मल है, इस तरीके से सुनने में आता है। और सच बात भी है कि वो अभी भी उसका जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उसका इस्तेमाल कर रही है। मतलब एक व्यक्ति जो है इस दुनिया से चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी तुम उसका दोहन कर रही हो, उसके पैसों पर जी रही हो। कोई आत्मसम्मान सम्मान नाम की चीज नहीं है। कैसे संस्कार है तुम्हारे, किस तरीके की महिला हो तुम भाई। मुझे कभी भी किसी महिला के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन न जाने क्यों बुरा लगता है जब कोई प्यार के नाम पे, रिश्ते के नाम पर इतना बड़ा धोखा बन करके रिश्तों से लोगों का विश्वास उठाने की, मतलब वो पूरी साजिश रच जाते हैं। तो प्रश्नों का जवाब, और ये इस कटघरे में तो रिया चक्रवर्ती थी ही, लेकिन अब इस पर जो है FIR हो गई है, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी विजयश्री है। और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप देखिएगा अच्छों के जो है जो हौसले हैं वो पस्त हो रहे हैं, और जो न्याय है वो होके रहेगा, SSR को जस्टिस मिलेगा और हम सब मिलके दिलाएंगे। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये बोलते हैं कि ममता मैम आपने दिल बेचारा के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ मैसेजेस, काफ़ी मैसेजेस मुझे आए कि आपने नहीं बोला, आपने उस मूवी को एनालाइज़ क्यों नहीं किया, आप प्लीज़ उसके बारे में बोलिए। तो मैं उन सब लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने आज दिन में फिर से ये पिक्चर देखी, दिल किया देखने का, SSR दोबारा से याद आ गया तो ये पिक्चर देखी। मुझे मैं SSR को नहीं जानती थी, मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, मेरे कोई वो रिश्ते में नहीं है, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं TV इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इस बच्चे के साथ ऐसा क्या कनेक्शन हो गया है, क्यों एक जुनून हो गया है कि इसको न्याय दिलाना है। जितना उसके बारे में पढ़ती हूँ, जितना उसको सुनती हूँ, जितना उसको समझती हूँ, उसके लिए रेस्पेक्ट और प्यार दिल में बढ़ता ही जाता है। और लगता है कि कितने क्रूअल हैं वो लोग जिन्होंने एक होनहार बच्चा, एक हीरा हम सबसे छीन लिया, इतना बड़ा अन्याय कैसे कर लिया। और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की बहुत बहुत शिद्दत से मन करता है। कई बार तो मैं इतना गुस्सा हो जाती हूँ, आज भी एक TV डिबेट पर इतना गुस्सा हो गई कि जब NCP के एक लीडर और बाकी लोग पुलिस का वहाँ के और सरकार का और उनकी आत्महत्या वाली थ्योरी को सही बता रहे थे, तो आई लॉस्ट माई कूल, आई लॉस्ट कंट्रोल, एंड बहुत बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। ये पिक्चर देखा आखिरी बार एक बार फिर, और मुझे लगता है कि शायद हिम्मत तो नहीं पड़ती पर शायद मैं उसको फिर से देखूँगी। इतना उम्दा एक्टर, इतना होनहार बच्चा, इतना सुप्रीमली टैलेंटेड लड़का, जो न केवल बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग, अपने जो रोल्स हैं उसको जो जगह मिली, जो मुकाम मिली उसको जस्टिफाई करता था, अपितु हिंदुस्तान के लिए जो है एक बहुत बड़ा एसेट था, वो कहीं और ही होता आगे आने वाले समय पे। और मुझे तो ये लगता है कि सोशली पॉलिटिकली भी और एज अ अवेयर सिटीज़न वो इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था और कर भी सकता था, उसमें वो कैपेबिलिटी थी। इसलिए बहुत बहुत दुख लगता है। और जहाँ तक इस पिक्चर का सवाल है, मुझे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पिक्चर के बारे में कुछ ज़्यादा आप लोगों से बोल सकूं। सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहुत दुख लगा जब उसका एंड देखा। केदारनाथ में भी यही हुआ था, सब बच जाते हैं और SSR की मृत्यु उस पिक्चर में हो जाती है आखिरी में। इस पिक्चर में भी अनएक्सपेक्टेड रहता है इनिशियल जो फर्स्ट हाफ है, लेकिन जब वो रिवील करते हैं कि उनको भी ये बीमारी है, और फिर भी इवन टुडे व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी आई वाज होपिंग अगेंस्ट होप दैट ही शुड नॉट डाई, बट जब वो अंत देखा उस पिक्चर का तो लगा कि इस पिक्चर में भी वो मर गया। बैक टू बैक उसकी दूसरी पिक्चर थी जिसमें वो अंत में दुनिया में सबको अलविदा कह जाता है, और उसके बाद वो चीज़ जो वो पर्दे पर कर रहा था, सुनहरे पर्दे पर दो पिक्चर्स में उसने किया, वो चीज़ सच भी हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली ये पिक्चर है, और वो सीन है आखिरी का, और वो सीन जहाँ पर वो बहुत रो रहे होते हैं, वो आशा
उनकी आंखों में दिखाई देती है कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर के गोद में सर रख के उनके पेरेंट्स उनके सामने खड़े होते हैं, यू नो, अगर आप उनकी आंखों में देखें वो आंसू और ही लुक्स एट देम, तो उनको यही होता है कि आई डोंट वॉन्ट टू डाई, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू ऑल, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो गो अवे. बट आई गेस नाउ ये सच है हम सबके सामने और ही इज नो मोर. बट यस, वी शैल यू नो सी थ्रू दिस केस एंड गॉड विलिंग SSR को न्याय ज़रूर मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो प्रेशर हम मुंबई की सरकार पे, मुंबई के गृहमंत्री पे, मुंबई की पुलिस पर अपनी हिम्मत से बना रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो हमें बना के रखना है. मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं जो SSR से जुड़े हुए हैं. मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी शिद्दत से कभी किसी के लिए लड़ूंगी, बट लड़ रही हूँ और आई प्रोमिस लड़ती रहूँगी. एंड यस, दिस इज़ इन माई सिस्टम दैट अगर कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चने आ जाएँ, कितनी भी बाधाएँ आ जाएँ, अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी और आपको लड़ना है तो लड़ना ही है अपनी स्वार्थ सिद्धि को छोड़ करके. आप सबको फिर से धन्यवाद. एंड ऐसे ही इकट्ठे रहिए, हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी, हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा. फिर से वो तीन शब्द बोलना चाहती हूँ कि हम हो रहे हैं कामयाब, हम होके रहेंगे कामयाब और हम होंगे कामयाब. धन्यवाद. जय हिंद. स्टे ब्लेस्ड.